पी चिदम्बरम जी ने कोर्टों के शर्तों का पहले ही दिन उल्लंघन किया है। भ्रष्टाचार के आरोप में उन पर पिछले 105 दिन केस के चलते जेल में रहना पड़ा। बेल देते समय कोर्ट ने कहा था कि आप केस पर कोई पब्लिक स्टेटमेंट नहीं देंगे, लेकिन चिदंबरम जी ने आज स्टेटमेंट दिया कि माय रिकॉर्ड एज मिनिस्टर इज वेरी क्लियर। यही तो आरोप है कि मंत्री पद का कर्तव्य निभाते हुए आपने भ्रष्टाचार किया, यही तो केस है, और इसको खुद ही सेल्फ सर्टिफिकेशन दे रहे हो कि मैं निर्दोष हूं। यह कोर्ट के शर्तों का उल्लंघन है। उन्होंने कश्मीर पर भी आज 105 दिन के बाद प्रेस के सामने जाने का मौका मिला तो सभी विषयों पर उन्होंने अपना गुस्सा प्रकट किया, लेकिन कश्मीर के बारे में उन्होंने कहा है वहां आजादी नहीं है। आजादी नहीं थी 1975 में, जब देश में प्रेस फ्रीडम खत्म करके सेंसरशिप लाया था। आज कश्मीर में सारे पेपर्स, समाचार पत्र रोज छपते हैं, जो चाहे वो लिखते हैं, जो देखते हैं वो दिखाते हैं, सारे न्यूज चैनल्स और सारे न्यूज़पेपर्स चल रहे हैं। कहां फ्रीडम का खत्म हुआ? 1975 में लाखों लोगों को बंदी किया था, उसकी जानकारी भी संसद को नहीं दी थी कि कितने लोग पकड़े हैं। हमारी सरकार ने तो कश्मीर में जो चंद बंदी है उनकी भी जानकारी पूरी दी है, और बाकी पत्रकार भी दुनिया के भी जा रहे, देश के भी जा रहे, जो यहां फॉरेन मीडिया के पत्रकार है वो भी जा रहे। स्टोन पेंटिंग में आधे से भी घट गया है, कमी आई। चिदंबरम जी के चलते कश्मीर जल रहा था, आज कश्मीर तरक्की के रास्ते पर चल रहा है, ये फर्क है। अर्थव्यवस्था पर भी चिदंबरम जी ने बताया। मैं एक ही सवाल पूछता हूं, आपका हाई इन्फ्लेशन लो ग्रोथ इकोनॉमी था, 10% से ज्यादा महंगाई और 5-6% ग्रोथ रेट। अब महंगाई पिछले 5 वर्ष में 4% रही है। प्याज का जो अभी एक संकट है वो एक तात्कालिक संकट है, उसका रामविलास पासवान जी ने मीमांसा की है कि कैसे बाढ़ और असामायिक वर्षा से परिणाम हुआ है, और इसलिए वो 10% पूरे समय कर तक 10 साल तक लगातार 10% से महंगाई बढ़ी, वो लोगों की लूट थी। और एक विषय पे मैं कहना चाहता हूं, मैंने अभी देखा मनमोहन सिंह जी ने कहा है कि 84 के दंगों में शांति जल्दी स्थापित हो सकती थी अगर उस समय के गृहमंत्री नरसिंह राव अगर समय पे सेना बुलाते। मनमोहन जी, सेना बुलाने का अधिकार प्रधानमंत्री का होता है और प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। राजीव गांधी तो अपने मंत्रियों को आदेश दे सकते, उल्टा राजीव गांधी ने ये दिन दहाड़े जो भयंकर नरसंहार हुआ उसका समर्थन किया एक तरीके से, कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है,
यह उनका समर्थन था। और इसलिए मनमोहन जी और भी एक सवाल हम पूछना चाहते, अगर नरसिंह राव इतने बुरे थे तो उन्हीं के मंत्रिमंडल में आप अर्थमंत्री वित्त मंत्री क्यों बने? और चलो मनमोहन जी ने मान तो लिया कि हमारी सरकार की गलती थी, तो कांग्रेस के नेता बौखला गए हैं, कुछ जेल से बाहर आ रहे, कुछ जेल में है, कुछ बेल पे है, और अपराधी के रूप में है, स्वतंत्रता सेनानी के रूप में नहीं है, ये भी हमें समझना चाहिए। दैट्स ऑल फ्रॉम माय